वी वर गोना शूट आर इंट्रो राइट हियर, वी वर गोना शूट आर इंट्रो एंड द बरांडा द इंट्रो ऑफ दिस वीडियो एंड इन अ जस्ट अ फ्यू मिनट्स ऑल माई प्लान्स आर फ्लडेड एंड वॉश्ड अवे. सो तो हम लोग मतलब मैं अभी सैटरडे को मोस्टली हमारा स्कूल होता है, लेकिन आज मैंने बहुत ही स्टाइल से एक बंक मार दिया पूरे डे के लेक्चर्स को. कैसे ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बात है कि आज मैं उठा हूँ 1 बजे फाइनली. आफ्टर 1 मंथ आई वॉज एबल टू स्लीप अकॉर्डिंग टू माई रिकॉर्ड, बिकॉज मैं पहले लॉकडाउन के पहले कुछ 2-3 हफ्ते तक मैं 1 बजे के पहले उठता ही नहीं था. आई वॉज लाइक इट वॉज माई डेली रूटीन. फिर हुआ हमारे साथ एक भयानक हादसा जिसे हम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं, और उसके वजह से मेरे को जल्दी उठना पड़ रहा था. और आज जाके मैं फाइनली 1 बजे तक सो पाया हूँ, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे इज़ द ओनली डे आई फील लाइक आई एम रिलैक्स्ड. और उस दिन को भी हमसे छीन लिया था स्कूल ने. सो टुडे आई वोक अप एट 1 एंड आई टुक अ नीट बाथ एंड आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई लेक्चर बना रहता है ट्यूशन. और इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए मैं इनके बारे में नहीं सोचता. तो भाई प्रेशर है क्या? ये जो प्रेशर हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स पे, प्रेशर है पढ़ाई का, रोट लर्निंग का प्रेशर है, एग्जाम्स का प्रेशर है, ये प्रेशर है क्या? प्रेशर इज जस्ट लाइक प्रेशर इज जस्ट लाइक दिस पाइल ऑफ बुक्स हियर. मैंने रात को रख के सोया था ये सोच के कि कल मैं ये करूँगा, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, मैं जब सुबह उठा मेरे को इनको देख के लगा भाई ये पढ़ना पड़ेगा, ये सारे लिखने पड़ेंगे आज. और ऐसे ही मैं लेट उठा हूँ भाई, 12 घंटे में मेरे को ये ख़त्म करना है. मेरे को दिमाग में बहुत सोचने लगा. तो ये है प्रेशर. मैं इसको अगर अभी इसको अंदर डाल दूँ, इसमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट बाहर रख दूँ जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, और मैं पढ़ने लगूँ तो मेरे से प्रेशर हट जाएगा. मैं आराम से वो एक सब्जेक्ट 1-2 घंटे में पढ़ भी लूँगा, और मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने वो ख़त्म करके बुक वो अंदर डाल दिया, दूसरा बुक ऊपर रख दिया. तो प्रेशर को हैंडल करने का सिर्फ एक ही है कि हम प्रेशर ना ले. ठीक है, हम ले रहे हैं, या तो स्टूडेंट लेता है प्रेशर खुद ही कि भाई मेरे को इतना कुछ पढ़ना है, या उसके पेरेंट्स लेते हैं कि भाई मेरे बच्चे को इतना कुछ पढ़ना है. तो अगर कोई एक, मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड पे है, तो वो लोग अगर सोचे कि हाँ मेरे बच्चे को पढ़ना है, उनको पता है, फैक्ट है कि उनको पढ़ना है, लेकिन वो अगर प्रेशर ना लेके वो ना दिखाए कि भाई बच्चे तुमको पढ़ना है, तो बच्चे को ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा. उनको अगर बता दे कि आज उनको 3 सब्जेक्ट कमिट करना है, उनको पता है कि भाई बच्चों को 3 सब्जेक्ट आज कमिट करना है, लेकिन वो अगर बता दे कि तू अभी 1-2 घंटे में ये 1 सब्जेक्ट कम्प्लीट कर, फिर हो जाएगा तो वापस बोलो ना. या बच्चा स्टूडेंट अगर खुद ही बोलता है कि खुद को कि मेरे को आज 3 सब्जेक्ट पढ़ने का है, 2 सब्जेक्ट लिखने का है, तो उनमें से 1 सब्जेक्ट कॉमन है जो लिखने का पढ़ने का है दोनों है, तो मैं उसको पहले पढ़ लेता हूँ 1 घंटे में, फिर अगले 1 घंटे में क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ लिख लूँगा, फिर मैं 1 घंटे में ये पढ़ लूँगा. लेकिन ये जो 1 घंटे में मैं पढ़ लूँगा ये फर्स्ट होने के बाद. सो whenever you are making a plan, if you are beginning to make, like today you are beginning with the process of planning and working, I would say suggest that you do the first, you plan the first step, you do the first step, you plan the second step, you do the step, the second step. This is a better process in case of studying, in case of whenever you are doing something educational and in a long term, मतलब इतना लंबा, अब आप अपना पूरा education तो plan नहीं कर सकते ना, पूरे साल का पूरे हफ्ते का plan तो नहीं कर सकते. हाँ, school का time table होता है, उसका एक time दिया होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब खुद self study कर रहे हो, in school you are dependent on your teachers for teaching you, you are dependent on the school for giving your time, proper time of what, when to do what things, but when you are dependent on yourself, you should plan just 1 step ahead, complete it, then do 1 step ahead. So a way which I think that every student should do, that all students can, you know, not only get marks, which is not really important, but
एक्चुअली स्कोर विद द नॉलेज दैट दे हैव, नॉट विद द रोटिंग और नॉट बाय डूइंग एनीथिंग अदर्स, बट स्कोर विद द नॉलेज विच दे हैव. दैट्स ऑल ब्रो. So this is my sister again. No, it's my sister. So she's studying, I hope. Yeah, she's not studying. So Srishti, what do you love about me? Nothing. Okay, what do you hate about me? Another thing that every student should actually believe in and follow is that being sincere, you know, sincerity is not always just submitting books on time and all, but sincerity is actually being truthful to yourself, truthful to the people who love you, who care for you. Like, be sincere to your parents, man. Everything is on online. So be sincere to yourself, man. Be sincere that you're getting tired, you're not able to you're not able to stay on the laptop or PC whole day, so maybe skip some lectures, because if you're not feeling well, there's no use of attending those lectures. It won't be any use anyway. So if you don't attend one lecture, take rest for an hour and then attend the more five lectures productively, then that's more helpful. And sincerity also comes with decision making, because the more sincere you are, the more good decisions and perfect decisions you'll be able to make. Like it, because if you don't like it, you'll not subscribe, and if you don't subscribe it, you'll not share it. So please do subscribe to my channel, like the video and share it as much as you can.